चीफ मिनिस्टर बनने के पहले से ही योगी जी को मरीजों की, गरीबों की, पीड़ितों की बड़ी चिंता थी और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय को बढ़ावा दिया, बनाया उसको। इस क्षेत्र में जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस फैली हुई थी, जिसमें बाद में AES भी जुड़ गया, उससे लगभग 500-600 बच्चे प्रतिवर्ष काल के गाल में समा जाते थे। इतने माताओं की गुने सुनी हो जाती थी। इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और उन्होंने मांग किया था स्वच्छता की, शुद्ध जल की और वैक्सीनेशन की, जो पूर्ववर्ती सरकारें पूरी नहीं कर पाई। इन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले वही काम किया, स्वच्छ जल की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और हेल्थ एजुकेशन। JEE और AES क्या है ये हर गांव में, हर घर में बताया जाए, हर स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को बताया जाए ये क्या है, उसके लिए उन्होंने दस्तक अभियान शुरू किया और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं वो सब जा करके गांव-गांव में लोगों को बताते थे, जागरूक करते थे, उनको लक्षण बताते थे कि ऐसा अगर होता है तो आप तुरंत उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर लेके जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएं, मेडिकल कॉलेज में ले जाएं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CHC को उन्होंने बहुत अपग्रेड किया, पीकू और मिनी पीकू के नाम से इंटेंसिव केयर यूनिट शुरू किए गए ताकि वहां से आने वाले बच्चों को तुरंत वहीं सुविधा मिल जाए। एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई और उसका नतीजा यह हुआ कि मेडिकल कॉलेज पर भार, जहां एक बेड पर चार चार पांच पांच बच्चे रहा करते थे, वो एकदम से कम हो गया। वैक्सीनेशन की व्यवस्था कराई गई और पिछले वर्ष ये संख्या 500 से घट करके 50 पर आ गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि योगी जी की है इस बीमारी को काबू में करने की और लगभग समाप्ति की ओर है ये बीमारी। दूसरा, इन्होंने देखा कि चिकित्सकों की काफी कमी है देहातों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर्स नहीं है, रिटायर होने वाले हर साल रिटायर हो रहे हैं, तो चिकित्सकों की भर्ती 2000 डॉक्टर्स इन्होंने नए भर्ती किया, उनको रिक्रूट किया। स्वास्थ्य के आवश्यकताओं को देखते हुए पहले से ही ये प्रयास कर रहे थे कि गोरखपुर में एम्स खुल जाए और इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसमें काफी तेजी आई। गोरखपुर में ही खुला, वहां पे क्लासेस शुरू हो गई, एक साल हो गया उसको चलते हुए भी, और जितनी तीव्र गति से उसका निर्माण हुआ वो एक सराहनीय है, देखने लायक। कितना तेज वो बना और विद्यार्थी उसमें आ गए और इस साल अभी एक दो महीने के बाद से उसमें वार्ड भी उसके चालू हो जाएंगे, मरीजों की भर्ती होने लगेगी। उसका बहुत लाभ लोगों को मिलेगा जो यहाँ से दौड़ के दिल्ली जाते थे और तमाम प्रदेशों के लोग दिल्ली में आते हैं, किसी को वहाँ जगह नहीं मिलती थी, रहने की जगह नहीं मिलती थी। ट्रीटमेंट अगर फ्री होता भी हो तो 50,000 खर्च हो जाता था आने जाने में और रुकने की व्यवस्था करने में, वो सब मरीजों का बच जाए, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। कोविड के समय में उत्तर प्रदेश में न कोई मास्क बनता था, न PPE किट बनती थी, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी, न ही कोई इतने ICU थे हमारे पास, न वेंटिलेटर थे, जो भी सुविधाएं थी वो आवश्यकता के अनुसार ही थी। अचानक आवश्यकता बढ़ी और इन्होंने MSME सेक्टर को बढ़ावा दिया, मास्क बनने लगे, किट्स बनने लगे, अस्पतालों में ICU हुए, डेडिकेटेड कोविड के अस्पताल बने। लेकिन इनकी बहुत अच्छी सोच ये थी
जनरल मरीजों के साथ हम कोविड के मरीजों को नहीं रखेंगे और कोविड के मरीजों को के साथ में जनरल पेशेंट को नहीं रखेंगे, उसका अस्पताल अलग होना चाहिए। और वो हुआ, लगभग हर बड़े शहर में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बने जो गवर्नमेंट के तय मूल्यों पर इलाज करते थे, उसके मानक के हिसाब से इलाज करते थे। उस जिले का जिलाधिकारी उसका नोडल अफसर हुआ करता था, जो अभी भी चल रहा है। तो ये मानवता के लिए उनका एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है। अभी कोविड के नाते जो जांच नहीं होती थी, जांच होती ही नहीं थी, तो शुरुआत में इन्होंने गोरखपुर, बनारस और लखनऊ और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जांच शुरू किया। 150 जांच होती थी और अब 1,00,000 से भी ज्यादा जांच, बीच में जब मरीज बढ़े थे तो रोज हो रही थी। ज्यादा जांच करने का नतीजा ये हुआ कि ज्यादा मरीज पकड़ में आए, उनका इलाज हुआ और फिर मृत्यु दर घट गई और घट करके बिल्कुल 1.5 पर आ गई। तो जांच की फैसिलिटी इन्होंने दिया। शुरू में जब मरीज मिले तो बीमारी सांस से फैलती है, दूरी बनाकर रखना है। अब वो अगर घर में अपने रहेगा तो निश्चित रूप से अपने परिवार के सभी लोगों को बीमार कर देगा, इसलिए उसको अलग रखने के लिए इन्होंने हर जिले में उसकी व्यवस्था किया है। यहाँ भी टीबी हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉलेज, रेलवे हॉस्पिटल, सब जगह को लेवल 1-2 का हॉस्पिटल बना दिया गया। वहाँ मरीजों के मुफ्त रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई। तो ये अत्यंत ही सराहनीय कदम योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वास्थ्य के क्षेत्र में था। उसके बाद इन्होंने वैक्सीनेशन पर जोर दिया, वैक्सीनेशन होने लगा। पहले चिकित्सकों का किया, स्वास्थ्यकर्मियों का किया, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि स्वास्थ्यकर्मियों का पहले क्यों, लेकिन ये कदम उनका बिल्कुल सही था क्योंकि कोविड के नाते सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, PSC, CSC सब बंद पड़े थे और बहुत सीमित संख्या में ही मरीज देखे जा रहे थे। जब चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ वैक्सीनेट हो जाएगा, उसको ये खतरा नहीं रहेगा कि हमको बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, तो वो निर्भीक होकर के काम करेगा। और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये सारे OPDs डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, PSC, CSC के स्टार्ट हो जाएंगे और पहले की तरह ही मरीज देखे जाने लगेंगे। एक और काम जो उन्होंने किया, ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो बहुत ही गरीब है, शहर तक पहुंच नहीं पाती, उसके लिए उन्होंने हर PSC पर हर रविवार को स्वास्थ्य मेला लगाने का आयोजन किया। कोरोना के पहले शुरू किया था, कोरोना के नाते बंद हो गया, अभी फिर स्टार्ट कर दिया है। 2-3 संडे बीत चुका है जिसमें उस PSC के चिकित्सक तो रहते ही हैं, आसपास जो शहर है, जो कस्बा है, उसमें प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर जो IMA के सदस्य हैं वो जाते हैं और अपनी निःशुल्क सेवा देते हैं। तो इस तरह से मरीजों को एक ऐसा लगता है कि जिस डॉक्टर को हम दिखा रहे हैं, अब तो रोज उन्हीं को दिखाते हैं, वो हमेशा सुलभ हैं, तो इसमें नया क्या है। हफ्ते में 6 दिन जो डॉक्टर मिलता है उसको अगर आप 7 दिन भी बिठा दें तो हमको नया क्या मिला। तो योगी जी की इस पहल से भारतीय चिकित्सा संघ के डॉक्टर्स जाने लगे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उसने परिवर्तन ला दिया है। मरीजों को ये लगता है कि हम इनके यहाँ जाते
तो बड़ी रकम फीस के रूप में देते, आने जाने का किराया खर्च करते, दिन भर का समय बर्बाद होता, और वो यही हमारे लिए उपलब्ध है। तो ये भी गरीब तबके के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है योगी आदित्यनाथ।